welcome on our YouTube channel. I hope people you are getting benefits from my YouTube videos. This video is going to be really important. आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप सभी के लिए, because कनाडा की तरफ से एक important अपडेट, कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए आई है। कौन सी वो अपडेट है? ये अपडेट हर एक के लिए खास है, चाहे वो टेम्परेरी स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है, चाहे वो टेम्परेरी फॉरनर वर्कर है, चाहे किसी भी पायलट प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, चाहे आपने परमानेंट रेजिडेंसी में अप्लाई किया है, ये अपडेट आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अपडेट शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को पता है कि कनाडा इमिग्रेशन के लेवल को ऊपर उठाने के लिए डे बाय डे एक डिफरेंट सी चेंजेस लेकर आ रहा है, जिससे जो इमिग्रेशन सिस्टम है एज कंपैरेटिवली पास्ट के समय से थोड़ा सा इजी हो सके। तो इसको देखते हुए आईआरसीसी आने वाले दिनों में अपने जो टेक्निक्स है सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन लेकर आने वाली है। उस चीज़ का इफेक्ट क्या होगा, उस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, जैसे जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने भी रिसेंटली कहा था कि दैट हम जो पेपर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो जहाँ पुराना सिस्टम है उसको टोटली आने वाले समय में ख़त्म करने वाले हैं। और आप सभी को भी पता है कि इंडिया में जो पेपर एप्लीकेशन है सितंबर तक क्लोज है, तो ऐसे में सारा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट खास चीज़ क्या है, इसमें वो एक हेल्पलाइन लेकर आने वाले हैं जिसमें आप अपनी फाइल का करंट स्टेटस जान सकेंगे, बिकॉज रिसेंटली जो पैनल कोर्ट की मीटिंग हुई है उसको एडवाइजरी जारी की गई है इमिग्रेशन वालों को कि दैट आप अपने सिस्टम में, आप अपने टेक्निक्स में चेंजेस लेकर आएं, जिसमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, जो हर एक बंदे को अपनी एप्लीकेशन का, हर एक बंदे को अपनी एप्लीकेशन के करंट स्टेटस जानने का हक है। तो ऐसे में ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है तो वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, उस हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप जो आपकी फ़ाइल है उसका करंट स्टेटस जान सकेंगे, चाहे आपने टेम्परेरी फाइल लगाई है, चाहे आपने परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाई है। और एक इसमें बेनिफिट होगा दैट जैसे इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ टेम्परेरी फॉरनर वर्कर्स हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो आप, जैसे इंडिया में हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं तो उस चीज़ की इंक्वायरी कर सकेंगे और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। इस समय अगर हम वेब फॉर्म फिल करते हैं तो सभी को एक कॉमन जो आंसर आता है कि दैट कोविड-19 के कारण आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्यू में हैं, हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है। तो इसीलिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हाई कमीशन के पास नंबर ऑफ़ दी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आपने वेब फॉर्म भरा है, ठीक है, आपका रिवर्ट नहीं आ रहा है, इट मे टेक सम टाइम बिकॉज पीपल फ्रॉम नॉट इंडिया, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड आर मेकिंग देयर इंक्वायरीज टू नो अबाउट दी करंट स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन टू सबमिट दी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बट अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है डेफिनेटली होगी। जैसे कैनेडा इमिग्रेशन को लेकर बहुत ही एक्टिव रहता है। एक्टिव क्यों रहता है? रिसेंटली भी हम सभी ने देखा है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें 90,000 लोगों को उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी दी है। तो आने वाले समय में ये चीज़ें डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें आपको मिलेंगी, आप अपनी फाइल का करंट स्टेटस जान सकेंगे और इससे सक्सेस रेट भी अच्छा होगा और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी, और आपको करंट स्टेटस पता लगेगा तो डिप्रेशन और डिप्रेस्ड सिचुएशन है जो काफ़ी आपसे दूर हो जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल प्रोसेस करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हियर इज़ अवर व्हाट्सएप नंबर। स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, कैसे एक अच्छा केस प्रेजेंट करना है, रिफ्यूज हो गया और रीअप्लाई करना है, एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, देन यू कैन ज्वाइन अवर 1-to-1 ऑनलाइन सेशन। सो थैंक यू गाइस।